ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो इंसान कभी किसी अच्छे व्यक्ति के संगत में नहीं आया या कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, उसका गुजरा हुआ आज तक का जीवन बेकार हो गया। जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं, वह पशु जीवन को जी रहा है, और जिसके मन में सच्ची भक्ति का भाव नहीं, उस व्यक्ति के हृदय में कभी भी अच्छाई या ईश्वर का वास भी संभव नहीं है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 10 नवंबर आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाई और शुभकामनाएं उन सभी प्यारे लोगों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर स्पेशल डे है। आप सभी प्रिय दर्शक, आज का राशिफल कार्यक्रम के अलावा कार्यक्रम के अंत में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए हम क्या खास उपाय करें, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास, आत्मा के कारग्रह है, वह प्रसन्न हो जाए तो जीवन में उजाला ही उजाला है। आप में से जितने लोग हमें समस्याएं भेजते हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें से 4 लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिएगा, हो सकता है आज आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ग्रहों से बनने वाले आज योगों की बात करें तो शुभ वैशी योग, उभयचर योग, शुभ वाशी योग और बुधादित्य योग कल की ही तरह रहेगा, लेकिन आज दोपहर को 2:21 के बाद पराक्रमी योग शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल राशि बदल रहे हैं और जा रहे हैं शुक्र के घर में, और शुक्र ऑलरेडी मंगल के घर में। साथ ही अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग का साथ या लाभ भी मिलेगा। वहीं श्रापित दोष और केमद्रुम दोष के साथ चांडाल दोष भी परेशान करेगा। आज चंद्रमा की बात करें तो शाम को 5:17 तक मीन राशि में और फिर मेष राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए, सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर को 2:03 तक, लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 तक राहु काल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आज मंगल 2:21 के बाद कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं शुरुआत मेष राशि से, राशिफल की बात करते हैं। आपका आज का ध्यान अपने शरीर में स्फूर्ति, तंदुरुस्ती और ताकत पर रहेगा और रहना भी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश या डिफरेंट किसी लैंग्वेज या अपनी लैंग्वेज में कमांड, वोकैबुलरी स्ट्रांग करना, इसी प्रकार से क्लासेस ऑर्गेनाइज करने वाले बिजनेस पर्सन के लिए या फिर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करवाते हैं उन लोगों के लिए आज क्लासेस प्रॉपरली कंडक्ट कर पाना, दूसरी जगह पर नई ब्रांच खोल पाना, नए लोगों को भर्ती करना, कुछ एक्सपांशन ऑनलाइन के तरीके से आगे बढ़ना उत्साहित करने वाला साइन रहेगा। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप हो सकता है कुछ शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे, पर किसी अच्छे मित्र या सहकर्मी की सही सलाह से आप उस काम को सही प्रोसीजर से ही करने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए आप उस पर मैनेज करिए और योजना बनाकर आगे बढ़िए। महिलाओं को चाहिए कि वे आज संडे के दिन कुछ खास क्रिएटिव करके अपनी क्रिएटिविटी प्रूव करें। यही तो वो दिन, यही जब आप भी थोड़ा सा फ्री होते हैं, यही वो टाइम होता है, और संडे का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिस्ट और प्लेयर्स के अपने अपने फील्ड में या अपने अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने, समझने और करने के संकेत मिल रहे हैं। किसी परिचित की बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी कलर ग्रे नंबर 5 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का ध्यान आज खर्चों को कम करना, कर्जों को कम करना, आमदनी को बढ़ाना, इसको मैनेज करने की तरफ रहेगा। डांस, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, फैशन, पैशन, इस प्रकार के वर्क करने वाले लोग, कोचिंग क्लासेस चलाने वाले लोग या ऐसे सेंटर चलाने वाले लोगों को या इससे जुड़े हुए बिजनेस पर्सन को आज अपने अपने फील्ड में ग्रुप्स नहीं मिलना, कम होना, कोई कॉम्पिटिशन शुरू होना, इससे उदासी हो सकती है। लेकिन उदास मत होइए, नए सिरे से आगे बढ़िए, कुछ नई प्लानिंग करिए और आगे आप कर पाएंगे ऐसा। अपनी जो वर्क प्लेस है या वर्क फील्ड में आज काम करते हुए किसी सहकर्मी से, सबॉर्डिनेट से घनिष्ठ मित्रता हो जाए या घनिष्ठ मित्र के साथ कोई और अच्छे संबंध आगे बढ़ जाए, ऐसे योग बन रहे हैं, इसके अपना बनाकर सबको चलिए। इस संडे यानी आज आप अपने इंटरेस्ट की बातों पर जैसे सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, लिटरेचर, पेंटिंग, कोई भी एनिमेशन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। फैशन और पैशन नहीं किया तो जीवन में किया क्या, जो चीज का दिल करता है वही नहीं किया तो फिर मजा नहीं आएगा।
और सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने का आप आज जरूर कोई नुस्खा अपना लेंगे। स्टूडेंट के आज अपने स्कूल, स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी, कोचिंग क्लास, रिहर्सल प्लेस, स्टूडियोज, प्लेइंग एरिया, प्लेग्राउंड में बेकार की बातों में उलझे रहने से आप अपने सही काम, सही खेल पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सेहत को लेकर परेशान होने के बजाय चिंतन करना जरूरी होगा। लकी कलर रेड, नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों का ध्यान अपनी उम्र से बड़ी किसी महिला, स्पेशली बहन की किसी तकलीफ को दूर करने की तरफ रहेगा। म्यूजिक लाइन वाले या फिर इससे जुड़े हुए एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इसी तरह की क्रिएटिविटी या क्रिएटिव लाइन वाले बिजनेस पर्सन आज काम बढ़िया चलने से बहुत खुशी महसूस करेंगे। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज अपने स्मार्ट वर्क से आप सभी को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। म्यूजिक और मैनिएक बच्चे और साथ में बड़े संगीत के क्षेत्र में नाम कमाने के लिए किसी म्यूजिक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कि टैलेंट से भरपूर अपने जीवन को जी सकते हैं, बचपन में ही कहते हैं कि पूत के पांव पालने में पता पड़ जाते हैं, तो आपके बच्चों के अंदर ये क्वालिटी है, तो थोड़ा सा हौसला बुलंद करिए और जोश और जुनून दिखाते हुए रिस्क लेते हुए आगे बढ़िए। स्टूडेंट के आज अपने अपने कर्म में जुटे रहने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आज आप जो आज तक नहीं कर सके थे वो अब कर पाए। सेहत पहले से बेटर है, पुराने रोग भी अब आपको टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। लकी कलर सिल्वर, नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों का ध्यान आज अपने पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करना, पिता के आदर्शों पर चलना, पिता की किसी प्रकार की मदद करना आपके लिए बेटर रहेगा। हम क्या मदद कर सकते हैं अपने पिता की, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। हेयर सलोन या फिर ब्यूटी सलोन, पार्लर, स्पा, जो भी फिटनेस से संबंधित बिजनेस करने वाले पर्संस को आज अपने अपने काम में अच्छा चलने से, लोगों की आवागमन होने से, फीडबैक बेटर बनने से, सोशल मीडिया में आपकी पब्लिसिटी होने से पॉजिटिवली चार्ज्ड महसूस करेंगे। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज ज्यादा वर्क प्रेशर या वर्क प्लेस पर आज आप स्ट्रेस में हल्के से ज्यादा आ सकते हैं, पर दिन के आखिर तक आप अपने किसी विशेष टास्क में कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। आप इस संडे अपने किसी पुराने दोस्त, टीचर को अपने यहाँ लंच, डिनर या फिर किसी स्पेशल गेट टुगेदर में आमंत्रित कर सकते हैं। यादों को संजोने का काम आपके सुखद समय व्यतीत करने का संकेत दे रहा है। स्टूडेंट के आज अपनी कर्म भूमि के अलावा घर, हॉस्टल, रेंट प्लेस या फिर गेस्ट हाउस रूम में भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कामों में लगन से लगे रहने के संकेत मिल रहे हैं। स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ब्लू, नंबर 8 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों का आज ज्ञान बढ़ाने की तरफ ध्यान रहेगा। फार्मर्स, फॉरेस्ट और जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले लोग हैं और ऐसे लोग जो फूड एंड बेवरेजेस, डेली नीड से संबंधित काम करने वाले बिजनेस पर्सन से आज कुछ फायदे में ज्यादा रहेंगे और नया कुछ करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज वर्कलोड और वर्क प्रेशर रह सकता है, पर आपके जोश और एनर्जी के हाई रहने से अपने हर एक काम में तो नहीं लेकिन ज्यादातर काम में आप बेहतर कर पाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इतवार के इस दिन में अपने घर या किसी रिसोर्ट में बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ एक गेट टुगेदर करके उसे अरेंज करके कुछ हल्के फुल्के गेम्स और लंच या डिनर साथ में लेने से संडे फंडे बन जाएगा। प्लेयर्स के आज अपने अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आने से दिन साधारण तरीके से बीतने के योग बन रहे हैं। सेहत खराब हो सकती है, थोड़ा सा समय हेल्थ के लिए जरूर निकालें। लकी कलर ग्रीन, नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज मानसिक शांति या उससे जुड़ी हुई किसी बातचीत को अमल में लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बिजनेस पर्सन आज अपने बिजनेस को मार्केट में एक अलग पहचान नहीं दिला पाने से थोड़ा मलाल रहेगा और परेशान रहेंगे, और हो सकता है आपका कोई आइडिया, कोई नुस्खा, कोई क्रिएटिविटी कोई और अपना ले और आपको ऐसा लगे ये तो मैंने सोचा था। आप हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए एक बार और क्रॉस मार्केटिंग पर ध्यान दें। साथ में यह भी सोचें कि आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज काम करने में शांति महसूस करेंगे अगर आप डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। संडे के दिन को फंडे बनाने में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी हॉबी को, अपने फैशन और पैशन को ही एटलीस्ट बेहतर करिए। इसके लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ है, कोई एक्टर छुपा हुआ है, तो बनाइए अपने वीडियोस और सोशल मीडिया पर अपलोड करिए। अगर आपको लगता है कि आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं तो उठाइए पेन और पेपर
लिख दीजिए अपने दिल की बात, इसलिए जिंदगी में जो करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्हें पूरा करिए। उन पर कुछ भी थोपिए मत, अंकुश मत लगाइए, जीवन को नीरसता के साथ मत जिए। स्टूडेंट के आज अपने फील्ड में शानदार प्रदर्शन करने के लिए, अनुशासन से चलने के लिए बेस्ट टाइम टेबल बनाकर आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और इसमें आप काफी तक सफल होंगे। हड्डियां परेशान कर सकती है अगर आपको अर्थराइटिस है तो ध्यान रखिए। लकी कलर ब्राउन नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। तुला राशि वाले लोगों का ध्यान अपने बिजनेस प्रोजेक्ट की तरफ रहेगा। होम बेस्ड बिजनेस पर्सन आज कस्टमर रिपीट नहीं होने से थोड़े से निराश हो सकते हैं। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के साथ ही मार्केटिंग पर ध्यान जरूर दीजिए, इससे राहत मिलेगी। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज वेंटिलेशन जैसी प्रॉब्लम से सामना हो सकता है। हेल्दी वर्क एटमॉस्फेयर और एरिया को बेटर बनाने के लिए अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे लगाइए, कुछ एयर प्यूरिफायर आजकल तो बहुत सारे बाजार में आ गए, कुछ भी ऐसा करिए जो आपके सांसों के साथ बेहतर ऑक्सीजन जा सके। अपनी बात प्रॉपर चैनल से प्रॉपर पर्सन तक जरूर पहुंचाइए। आप अपने बॉस तक मन की कोई भी बात है, ऑफिस की कोई बात है, इस रंग बिरंगी दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं और अद्भुत स्थान हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है। संडे मूड में फंडे बनाने के साथ साथ फैमिली के साथ बैठकर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखें जिनसे आप और आपके बच्चे देश और दुनिया के बारे में कुछ अच्छा सीख सकें, जान सकें। फैक्ट्स और सच्चाई से रूबरू होने का दिन रहेगा। स्टूडेंट के आज अपने स्ट्रीम से अलग किसी अन्य गतिविधि में मशगूल रहने के संकेत मिल रहे हैं। ज्यादा तरी भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। लकी कलर पिंक नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों का ध्यान अपनी हेल्थ इश्यूज पर रहेगा, बीमारी से बाहर निकलने की तरफ रहेगा। बिजनेस पर्सन जो फूड एंड बेवरेजेस लाइन से हैं वे आज कस्टमर नहीं मिलने से या कस्टमर की रिपीट ना होने से थोड़े से उदास हो सकते हैं। घबराइए मत, आपके बिजनेस का सक्सेस मंत्र टेस्टी फूड और टाइमली डिलीवरी ही तो है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप नेक पेन, हड्डियों से रिलेटेड किसी पेन से प्रॉब्लम से तकलीफ में रह सकते हैं। ठीक नहीं है तो टाइम ब्रेक लीजिए, डॉक्टर से चेकअप करवाइए, राय मशवरा लेकर आगे बढ़िए, टाइम थोड़ा टाइट है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में लाखों लोगों को भूखा ही सोना पड़ता है, अपनी दयालुता का परिचय जरूर देना चाहिए। तो इस संडे के लिए समय निकालिए और बेस्ट संडे के साथ फंडे बनाते हुए खाने को बनाइए और लोगों को ढाबों, रेस्टोरेंट में जाकर, होटल्स में जाकर कलेक्ट करिए और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, इससे बहुत सुकून मिलेगा। स्टूडेंट का अति आत्मविश्वास आज नैया डुबाने जैसा हो सकता है, धैर्य रखें और आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच के फर्क को समझना चाहिए। कंधों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर मैरून नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। धनु राशि वाले लोगों का ध्यान आकस्मिक धन लाभ की तरफ रहेगा। क्लासेस ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, बिजनेस पर्सन, कस्टमर बढ़ने से बड़े खुश हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जोश में आप होश गंवा बैठेंगे और इससे ओवर कॉन्फिडेंस आपको तकलीफ दे सकता है। समय अनुकूल है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो चाहें वैसा कर सकें। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने या कहीं आपको कुछ अलग काम में जोड़ने की संभावना लग रही है। आप आज किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, फैमिली फीलिंग से आगे बढ़ सकते हैं और अगर इजीली पॉसिबल हो तो आप जरूर शामिल हो, ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव संकेत है। ये बात सही है कि परिवार के पुरुष सदस्य ज्यादातर अच्छा खाना नहीं पका सकते, पर संडे के दिन एक अच्छी रेसिपी नेट पर देखकर, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से गुर सीख कर फैमिली के साथ कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। आप उनको खिलाइए, पिलाइए, उनको बैठाइए, एक दिन आप उनके लिए जिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के आज कॉन्फिडेंट रहने के संकेत मिल रहे हैं। डाइजेशन की समस्या आपके खुद के गलत खान पान की वजह से रहेगी। लकी कलर ऑरेंज नंबर 9 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मकर राशि वाले लोगों का ध्यान अपने माँ के स्वास्थ्य की तरफ रहेगा। साथ में बिजनेस पर्सन के आज अपने प्लान्स के लगातार सफल होते जाने से खुश रहने के संकेत मिल रहे हैं। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज ध्यान की कमी से बड़ी लापरवाही हो सकती है, सो बी अटेंटिव और बी अवेयर। संडे की छुट्टी मनाने का एक नया आइडिया है कि अपने घर पर फ्रेंड्स की और उनकी फैमिली के साथ एक ड्राइंग, पेंटिंग का फैमिली कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करें। आप जज बने और
पार्टिसिपेट करने वाले हर फैमिली के एक अनुभवी बुजुर्ग को, जो फैमिली सबसे खूबसूरत ड्राइंग पेंटिंग बनाए उस फैमिली को दूसरी फैमिलीज शाम को अपने शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में या फिर किसी ऐसी जगह पर जो धार्मिक स्थल जगह हो वहाँ एक पूजा पाठ को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। प्लेयर्स के आज अपनी पहले दी गई शानदार परफॉर्मेंस से मिले कॉन्फिडेंस की वजह से और उसी कॉन्फिडेंस और टैक्टिक्स की वजह से उसे अजमाते हुए कुछ बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को कवर कर सकेंगे। घुटनों और जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों का ध्यान अपने बड़े भाई या छोटे भाई की किसी समस्या को हल करने, आप बातचीत करके किसी मसले को हल कर सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर्स या कस्टमर को कन्विंस कर पाने से उत्साहित रहेंगे। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज आप या आपके द्वारा अपने सीनियर्स, टीम लीडर, बॉस और सहकर्मियों को पूरा रेस्पेक्ट देने के संकेत मिल रहे हैं। कुशल व्यवहार ही व्यक्तित्व के जरूरी है और व्यक्ति के चरित्र के लिए भी आईना बन सकता है। आज का दिन आपको शिष्टाचार से परिपूर्ण बना रहा है। संडे को फंडे बनाने के साथ साथ आप अपने मित्रों और पारिवारिक सदस्यों सहित एक ऐसा आयोजन करेंगे जिससे सब व्यक्ति एक एक कर अपने विषय में सभी को जानकारी देंगे। ग्रुप डिस्कशन से शहर का, अपने मोहल्ले का, गली मोहल्ले का कोई मसला हल हो सकता है। ये करना आपको कहीं पर भी और कितने ही लोगों में धड़ल्ले से बोलने में माहिर भी बनाएगा। आर्टिस्ट के आज का दिन एनर्जेटिक गुजरने के संकेत मिल रहे हैं। अपनी मुश्किल टास्क को आज जरूर करें और एक चैलेंज लेकर चलें। हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 7 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मीन राशि वाले लोगों का ध्यान धन निवेश करने की तरफ रहेगा। आने वाला धन कहां से है, बचाए हुए धन को कहां इन्वेस्ट करूं, इन्वेस्ट किए हुए धन का कैसे आज परफॉर्मेंस चल रही है या अब परफॉर्मेंस चल रही है, इस पर ध्यान देना होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, क्रिएटिविटी, फैशन डिजाइनिंग, इसी तरह से रिलेटेड फैशन और पैशन से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन को आज अपने बिजनेस के सामान्य से बेहतर चलने से संतोष मिलेगा। बेहतर लोगों से मुलाकात लाभ देगी। आप और अधिक मेहनत से शानदार बिजनेस कर पाएंगे। वर्क प्लेस या वर्क फील्ड में आज अलर्ट रहें। आपके काम में कहीं टेक्निकल कमी निकाली जा सकती है। आपका काम बेस्ट रहता है और शायद ये किसी को खटक रहा है। इस संडे अपने घर के लोन में जो गार्डन है या सोसाइटी या कॉलोनी के पार्क में सेल्फ डिफेंस की क्लास ऑर्गेनाइज करवाइए और हमेशा ऐसी क्लास कंडक्ट हो सके ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि सभी लोग अपनी सुरक्षा खुद कर पाने में सक्षम हो सके। स्टूडेंट आज स्टडीज में बढ़िया परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ने के संकेत हैं। स्ट्रीट फूड जो घर के आसपास जो ठेलों पर चीज़ें मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे लोग खाते भी हैं लेकिन इससे नुकसान भी उन लोगों को होता है, तो ध्यान रखिएगा। लकी कलर की बात करें तो गोल्डन, नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। सूर्यदेव आत्मा के कारक ग्रह हैं। आत्मा अगर हमारी संतुष्ट है तो हम आत्मविश्वास से जीवन में बहुत सारे काम को पूर्ण कर सकते हैं। कहते हैं कि किसी बुजुर्ग की, किसी इंसान की आत्मा को ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि आत्मा को ठेस पहुंचाने पर वो दुराशीष बद्दुआ में तब्दील हो जाती है और इंसान के कुंडली में कितने अच्छे योग हो पर वो बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखना पड़ेगा। सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए, सूर्य जैसे चमकने के लिए, तेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आज के दिन, रविवार के दिन आप तांबे के किसी लोटे में थोड़ा सा गेहूं, थोड़ी सी दूर्वा, साथ में गेहूं के दाने और हो सके तो कनेर के पुष्प, यह सब कुछ डालकर आप ओम गृणी सूर्याय नमः के साथ श्यामा तुलसी या तुलसी के पौधे में डालिए। साथ में बर्तन, लाल वस्त्र, गेहूं, कुछ ऐसी चीजें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी दे सकते हैं, तब भी लाभ मिलेगा और इससे सूर्य देव की कृपा मिलेगी। तो सूर्य को हमने जल भी दिया है और सूर्य से संबंधित चीज़ों को हमने दान भी दिया है। इससे आपको इतनी संतुष्टि और शांति मिलेगी कि जो आपके किसी और काम से शायद नहीं मिलेगी। अब मैं प्यारे दर्शकों को, स्पेशली उन दर्शकों को जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं अपना कुछ स्केड्यूल बता रहा हूं जिस पर आप अपॉइंटमेंट दर्ज करवा के मुझसे उन डेट्स पर मिल सकते हैं। पहले मैं भारत की डेट बता देता हूं। 23 नवंबर को मुंबई, 24 और 29 नवंबर को दिल्ली, 25 नवंबर को जयपुर, 30 नवंबर हैदराबाद और 1 दिसंबर को बेंगलुरु रहूँगा, 6 दिसंबर भुवनेश्वर, 7 दिसंबर को कोलकाता,
और 8 दिसंबर को जमशेदपुर में रहूंगा। भारत से बाहर 9 और 10, क्योंकि 9 बीत चुकी है, अब मैं सिंगापुर आ चुका हूं और यहां पर 10 तारीख को मैं सिंगापुर रहूंगा। 12 और 13 नवंबर को यहां से मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। 14 और 15 नवंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। 30 और 31 दिसंबर, 9 और 10 जनवरी को लंदन इंग्लैंड में रहूंगा। 1 और 2 जनवरी नीस फ्रांस में, 3 और 4 जनवरी को केन्स फ्रांस में, 5 से 8 जनवरी सेंटाक्रूज टेनरिफ आइलैंड स्पेन में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रविवार आप सबके लिए श्रेष्ठ रहे, भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। आप हमारी वेबसाइट grahonkakhel.co.in पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। हमारी जो ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका के सदस्य है, इसमें से मोस्टली लोग बनते हैं। आप नहीं बने तो जरूर बनिए। जोधपुर कार्यालय से संपर्क करके आप इसके सदस्य बनकर इस मासिक पत्रिका को बाय कोरियर या रजिस्टर डाक से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल सोमवार है, वीक की शुरुआत आप बेहतर अच्छे ढंग से करेंगे, शुभकामना देता हूं। और अपनी जुबान को यहीं विराम देने के लिए आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।